नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है राजस्थान मौसम पूर्व अनुमान को लेकर। 25 नवंबर की रात जोधपुर और उदयपुर संभाग के जिलों में तूफानी बारिश होने वाली है। भयंकर बारिश के साथ दोस्तों लगभग 80-90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है और कहीं कहीं पर दोस्तों भयंकर ओले भी गिर सकते हैं। 26 नवंबर को अरब सागर की खाड़ी से हवाओं के साथ नमी आने से इस सिस्टम का असर बढ़ सकता है। इसके प्रभाव से जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ जबरदस्त बारिश, कहीं कहीं पर ओलावृष्टि देखने को मिलेगी। उदयपुर संभाग में कुछ स्थानों पर मध्यम से अत्यंत भीषण भारी बारिश। मौसम केंद्र जयपुर की ओर से पाली, जालौर, सिरोही के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश और ओलावृष्टि के कारण तापमान 2 से 4 डिग्री तक गिर सकता है। पश्चिम विक्षोभ और अरब सागर की खाड़ी से आ रही नमी के कारण 27 नवंबर को प्रदेश के कई इलाकों में जमकर बारिश होगी। मौसम विभाग ने 27 नवंबर को कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में जबरदस्त बारिश की संभावना व्यक्त की है। इसके बाद 28 नवंबर से इस सिस्टम का असर धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा और मौसम शुष्क हो जाएगा। वहीं दोस्तों 26 नवंबर को राज्य में कई जगह पर ओले भी गिर सकते हैं। पश्चिम राजस्थान के जोधपुर सहित पूर्वी राजस्थान के अलवर, बांसवाड़ा, बारा, भीलवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर और टोंक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बाड़मेर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और ये भारी बारिश ऐसे समय में हो रही है जब कल दोस्तों राजस्थान के अंदर मतदान होने वाला है। बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का मतदान कल यानी कि 25 नवंबर को पूरे राजस्थान के अंदर होने वाला है और ऐसे समय पर मौसम भी खराब होने वाला है। एक साथ दोस्तों डबल अटैक देखने को मिलेगा जिसके चलते राजस्थान में भयंकर बारिश, आंधी तूफान चलेगा जिसके बाद सर्दी का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो बहुत बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें, भारी बारिश के चलते बाहर ना निकले। वीडियो को लाइक शेयर करें।